अगर आप बोर हो चुके हैं अपनी मोबाइल की ट्रेडिशनल होम स्क्रीन से और चाहते हैं अपने मोबाइल को नया लुक देना, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोवा लॉन्चर पे बेस्ड एक डेस्क सेटअप की जो कि मैंने बनाया है और थीम डे सुपर हीरोज पर। तो छल्ले शुरू करते हैं, और छल्ले शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, क्योंकि हम इस चैनल पर बात करते हैं पागल की तरह मोबाइल टेक्नोलॉजीज पर और इसी तरह के नोवा डेस्क सेटअप पर और बहुत 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 पता नहीं क्या क्या। बस सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो का स्पेशल फीचर है ये टॉर्च, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाती है 150 रुपए की। और इसकी खास बात ये है कि ये अपने मैकेनिज्म पर काम करती है, यानी कि प्रेस एंड यूज, इसमें कोई बैटरीज की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी टॉर्च है, अगर आपको ये चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। लेकिन मेरे पास 2 यूनिट पड़ी हैं जो कि आपको गिव अवे में मिल सकती हैं। बस आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और करना है आपको कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपकी रैंडमली कमेंट पिक की जाएगी एंड इट विल बी योर्स। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू वीडियो। सबसे पहले क्या करना है आपको, डाउनलोड कर लेनी है सारी फाइल जिनकी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद सारे APKs फाइल को यानी कि सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहला ऐप है नोवा लॉन्चर, दूसरा ऐप है सुपर विजेट प्रो, तीसरा ऐप है म्यूजिक विजुलाइजर VU, और चौथा, अगर आपको लिंक से दिक्कत हो डाउनलोड करने में तो मैं आपको बता दूं कि जो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अगर स्किप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड पेज मिल जाएगा जिससे कि आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जब आप सब डाउनलोड कर लें तो उसके बाद वॉलपेपर को अप्लाई कर लेना, उसके बाद .zw फाइल्स हैं उनको सुपर विजेट के टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में प्लेस कर लेना, और .nova बैकअप वाले फाइल को डेटा के अंदर टेस्ला कॉइल के अंदर बैकअप वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है। वीडियो देख के आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन सी फाइल को कहां पर प्लेस करना है। के सेटिंग्स में वहां पर बैकअप एंड इंपोर्ट, उसके बाद रिस्टोर करोगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी जिसे आपको डिलीट कर देना है करंट लेआउट को, जिससे कि आपका नोवा लॉन्चर रिस्टार्ट होगा। तो दोबारा से नोवा लॉन्चर को ओपन करना और उसे डिफॉल्ट होम स्क्रीन के लिए सेट कर देना। इसके बाद आपको ये जो ब्लैक कलर के रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं इन पर आप अगर टैप करोगे तो इनको आपको सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले म्यूजिक विजुलाइजर की सेटिंग करना, इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100% कर देना, और उसके बाद आपको करना होगा इनकी कलर फाइल को इंपोर्ट, जिसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पर क्लिक कर कर रिस्पेक्टिव बार्स पर क्लिक कर कर उनकी फाइल को इंपोर्ट करना होगा जो कि आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में है, जिसे कि आपको ब्राउज करना पड़ेगा और 1.mvc फाइल को सिलेक्ट कर इंपोर्ट कर देना, जिससे कि आपके कलर्स मैच हो जाएं। ऐसा ही सेम आपको सेकंड वाले स्पेक्ट्रमीटर के लिए भी करना है। इसके बाद आपका लास्ट काम है सुपर विजेट को सेटअप करना, जिसके लिए आपको SD कार्ड पर क्लिक कर रिस्पेक्टिव सेटअप पर क्लिक करना पड़ेगा, और इसी तरह दूसरे वाले के लिए भी यूज कर लेना। अब आपको इन सारे आइकन्स को वर्केबल बनाना है, जिसके लिए क्या करना है आपको लेआउट में जाना है, आइकन पर टैप करना है, जो आइकन आपका काम ना कर रहा हो सिर्फ वो, और उसके मॉड्यूल ऑन टैप में जाकर उस आइकन का ऐप आपको यूज कर लेना है, जैसे वीडियो में दिखाया सेम टू सेम वैसे ही। सो बस आपका सेटअप तैयार है। अब आपको सिर्फ लास्ट काम ये करना है, इन विजेट पर अगर आप क्लिक करो तो ये ओपन ना हो जाए बार बार, इसके लिए आपको विजेट ऑन टैब में जाकर फोर्स सुपर अपडेट कर देना है, जिसके बाद आपका सेटअप अब तैयार है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके मजे लेने, सीधे म्यूजिक ऑन करो और हियर इज योर सेटअप। Thank you.
वीडियो पसंद आई होगी और सेटअप भी पसंद आया होगा। अगर किसी की कोई शिकायत है या फिर किसी का कोई सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और हाँ, वो गिव अवे रियल है, तो आप अपना गिव अवे का रिजल्ट मिलेगा आपको आने वाली छठी वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।